जब भी आपके छोटे बच्चे को छाती में कफ जम जाए दोस्तों, तो उसके लिए आप लहसुन ले लीजिए। लहसुन को छिलके समेत ही दरदरा कूट लीजिए और इसको इसी तरह से कूटना है। इसके बाद से हमें चाहिए होगा अजवाइन। हम यहाँ पर लेंगे सूती कपड़े की एक पोटली और अजवाइन ले लेंगे। इसमें जो है अजवाइन और लहसुन की एक पोटली बना लेंगे, अच्छे से इसको बांध लेंगे। बच्चों के छाती में जब भी कफ बलगम जमा हो तो ये रेमेडी जरूर ट्राई करिएगा। इसकी पोटली अच्छे से बांध लेंगे और उसके बाद से हम लोहे का एक बर्तन गर्म करेंगे, कोई भी कढ़ाई या तवा जो भी आपके पास हो उसको गर्म कर लीजिए। इस पोटली को हल्का हल्का सा सेक लीजिए। जब ये पोटली हल्की ही गर्म हो, बच्चे की स्किन पर सहने लायक हो, तब इससे बच्चे की छाती पे, पीठ पे, पैर पर, गले पर, हर जगह इस तरह से अच्छे से सेक कर दीजिए और बच्चे को उड़ाकर सुला दीजिए। उसके बाद से आप देखिए बच्चे की जो कफ है, जो छाती में जमा हुआ बलगन है, वो बहुत ही आसानी से निकलने लगेगा। तो इस तरह से इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा। ऐसे ही और रेमेडीज के लिए चैनल को फॉलो करिएगा। थैंक यू।